हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नैल्को के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, नैल्को कल अगर हम देखें तो 95.00 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 94.05 का लो और 102.30 का हाई बनाया। आप देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई भी नया बन चुका है 102.30 का। आपको मैंने पहले बताया था कि इसका जो टारगेट है 100 का दिया जा रहा है अलग अलग एनालिस्ट्स के द्वारा, और आप देख सकते हैं टारगेट मीट हो गया। 99.20 के ऊपर बंद हुआ 5.64% की तेज़ी के साथ। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 13 करोड़, एनएससी के ऊपर 63,148, मार्केट कैप है 18,219 करोड़ रुपए। और डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखें तो एनएससी और बीएससी पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का 18.9% उठा ली गई क्वांटिटीज़। आप देख सकते हैं इससे पहले वाले दिन के कंपेयर में थोड़ी सी डिलीवरी में ड्रॉप हुआ है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है, ये खबर कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए, और यही कारण है आपको ये जो तेज़ी दिखाई दे रही है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये खबर है। खबर को आइए समझिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कोशिश करूँगा आपको इजी से इजी तरीके से समझाने की। ओके, सो लेट्स ट्राई। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा नैल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, पहली खबर तो ये है कि आपको डिविडेंड मिलने वाला है अगर आप इसके अंदर होल्डिंग करते हैं। तो कितना डिविडेंड मिलेगा अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, पर शेयर आपको 1 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा जिसके फेस वैल्यू का 20% है। फेस वैल्यू इसकी 5% है, सॉरी 5 रुपीज़ है, रुपीज़ है उसका 20%, यानी 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। आपको पता होगा फाइनल डिविडेंड जो है ये मिल रहा है, ये एडिशन फर्स्ट और सेकंड इंटरमी डिविडेंड का एक पार्ट है। आपको पता है 2.50%, यानी 50% फेस वैल्यू का ऑलरेडी पे किया जा चुका है दिसंबर 2020 के अंदर, और आप देख सकते हैं उसका दूसरा पार्ट अब पे किया जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक खबर है, खबर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी से पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए, मेटल स्टॉक जो है इसमें सबसे ज़्यादा फोकस में है, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो प्राइसेस है ना ग्लोबली बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इस तेज़ी के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है। जी हाँ, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है, जो कि गिनी के अंदर, गिनी एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ पर पॉलिटिकली हम देखें तो इनस्टेबिलिटी तुरंत क्रिएट कर दी गई है वहाँ के एक यूनिट ऑफ यू नो मिलिट्री के द्वारा। आप देख सकते हैं, अब देखिए वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है, रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल का मतलब बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का ओर। एल्यूमिनियम तभी बनेगा जब बॉक्साइट उसको सप्लाई किया जाएगा फैक्ट्रीज़ को। मेरी बात समझ रहे हैं, तो जब रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो डेफिनेटली शॉर्टेज होगा, एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स शॉर्टेज में आएगा। अब शॉर्टेज में होगा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो महंगे दामों पे बिकेगा, क्योंकि सप्लाई कम है रॉ मटेरियल की, जिसकी वजह से 10 सालों के रिकॉर्ड को टूटता हुआ हम लोगों ने देखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइना के अंदर, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, चाइना के अंदर जो स्मेल्टर है वहाँ पे भी चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्शन में कट किया है, आपको पता होना चाहिए। तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण है एल्युमिनियम शॉर्टेज का, जिसकी वजह से एल्युमिनियम के प्राइसेस में अभी तक के 10 सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दिया। लंदन, आप देख सकते हैं मार्केट प्राइसेस इन लंदन नोच्ड अ फ्रेश 10-ईयर हाई एंड फीचर्स चाइना क्लाइम्ब टू हाईएस्ट सिंस 2006 एज द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रेजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसरप्शंस टू बॉक्साइट शिपमेंट्स फ्रॉम द की ग्लोबल सप्लायर।
दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो गिनी कंट्री है वेस्ट अफ्रीकन, ये बॉक्साइट का सबसे बड़ा सप्लायर है। सबसे ज़्यादा दुनिया के सब दुनिया में टोटल 25% जो भी एल्यूमिनियम बॉक्साइट होता है उसका 25% अकेले गिनी एक्सपोर्ट करता है। और गिनी में जब पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, यानी वहाँ पे जो मिलिट्री है आप देख सकते हैं यूनिट ऑफ मिलिट्री ने पावर को सीज़ कर लिया है और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और जो हेड है वो कह रहा है कि अब नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, नया लॉ बनाया जाएगा, जिसके चलते एल्यूमिनियम का जो रॉ मटेरियल है बॉक्साइट उसका शिपमेंट एक तरीके से सस्पेंड हो चुका है, डिसरप्शन हो गया है, जिसकी वजह से अब आप मेरी बात को आई होप कि समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मोटा मोटा मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाऊँ तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि एल्युमिनियम बनाया जहाँ जाता है वहाँ पे बॉक्साइट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉक्साइट के बिना एल्युमिनियम नहीं बना सकते। बॉक्साइट एक रॉ मटेरियल है, जिस तरीके से शुगर को बनाने के लिए शुगर केन होता है ज़रूरत का पार्ट, वैसे ही एल्युमिनियम की फॉइल्स को या शीट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल बॉक्साइट को हमें चाहिए होता है। और बॉक्साइट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था गिनी की तरफ से, और गिनी के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने की वजह से वहाँ पे बॉक्साइट को सप्लाई रुक गई है, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है कंपनीज़ के अंदर उसी को महंगे दामों पे बेचा जाएगा। क्योंकि आप सीधी सी बात है, इकोनॉमी का सीधा सा कंसेप्ट है, किसी चीज़ की शॉर्टेज बढ़ती है उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। अब मार्केट में टमाटर अगर आपको कम दिखेगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा हो गए, बेचने वाले माल कम है, खरीदने वाले ज़्यादा हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है। और एक तो दूसरा कारण, चाइना के अंदर प्रोडक्शन के अंदर कुछ कट कर दिया गया है ड्यू टू कंट्रोल कार्बन एमिशन। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। तो ये दोस्तों दो खबरें थी जिसकी वजह से नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के अंदर नैल्को के अंदर आपको कल आग लगी हुई दिखाई दी। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप। और अपना ख्याल रखिए। I will see you next time.